वहीं दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण से हल्की राहत मिली है और अब यह बेहद खराब श्रेणी से खराब श्रेणी पर आ गया है। बावजूद इसके यह स्वास्थ्य के लिहाज से बेहद खतरनाक है, खासकर बुजुर्गों और बच्चों के लिए ये बड़ा खतरा है। हवा की दिशा बदलने और गति में सुधार से मंगलवार के मुकाबले दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 132 पॉइंट नीचे आ गया है, तो वहीं पर 476 से गिरकर 344 रह गया है। एनसीआर के शहरों में भी एक्यूआई में खासी कमी देखी गई है और सभी शहर की हवा गंभीर स्तर से बहुत खराब श्रेणी में आ गई है, जबकि गुरुग्राम में खराब श्रेणी में दर्ज हुई। हालांकि शुक्रवार को भी हवा की रफ्तार कम होने और दिशा बदलने के साथ ही एक्यूआई फिर से बढ़ने की संभावना है। ऐसे पहले भी था ये, बट अभी आई गेस बिकॉज ऑफ द फेस्टिव सीजन हम उस चीज़ को बहुत ज़्यादा लेकर जा रहे हैं। बिकॉज आई नो एयर क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है, बट हम उसमें हेल्प भी क्या ज़्यादा तो कर नहीं सकते हैं, बिकॉज व्हीकल्स तो चलेंगे ही नो मैटर व्हाट। सर ये धुंध से मतलब आँखों में लगता है ये, अभी तो ठंड बढ़ेगी तो और ज़्यादा होगा, अभी तो फिलहाल ठीक ठाक है, अभी सांसों लेने में दिक्कत होती है, जैसे बाहर को निकलो तो पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए दिक्कत आती है सांसों में, आँखों में लगती है मिर्ची की तरह। और हमारे साथ जुड़ चुके इस पर अधिक बातचीत करने के लिए दिल्ली से ब्यूरो चीफ प्रशांत शर्मा। प्रशांत जी, लगातार दिल्ली में देखा जा रहा है कि पॉल्यूशन का जो ग्राफ है वो बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन इस बीच ही राहत भरी खबर आई है कि इस बार जो सबसे ज्यादा खराब श्रेणी में दर्ज की गई थी AQI, वो उससे अब ऊपर उठ चुकी है। जी देखिए ऋचा जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो आज AQI रहा वो 385 दिल्ली का रहा है, नोएडा का 387 और गुड़गावा का 297। या सुबह की हम बात कर रहे हैं, यानी दिल्ली का अब जो है गंभीर से हटकर बहुत खराब में आ गया है। 100 के लगभग AQI कल से और आज की स्थिति में देखा जा रहा है, दो दिन से लगातार कम देखा जा रहा है। और एक सुखद खबर जो सामने आ रही है वो ये आ रही है कि विजिबिलिटी तो साफ होती जा रही है, एक प्रभावी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कैस्पियन सागर से होता हुआ ईरान, अफगानिस्तान और उत्तरी पाकिस्तान से होते हुए 12 नवंबर तक जम्मू कश्मीर आएगा और उसके बाद उम्मीद की जा रही है 15-16 नवंबर को दिल्ली एनसीआर में उसका प्रभाव देखने को मिलेगा, जिससे हल्की बारिश हो सकती है, जिससे पॉल्यूशन से राहत मिलने की उम्मीद है पूरे दिल्ली एनसीआर को। और उसके अलावा ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यानी दिल्ली और एनसीआर के आसपास के सारा एरिया जहां पे प्रदूषण की धुंध देखी जा रही है, वो इस बारिश से खत्म हो सकती है। ऐसा अनुमान है कि 15 और 16 नवंबर को बारिश हो जाएगी। जी, यानी हम कह सकते हैं कि जो सरकार अभियान चला रही है, चाहे वो रेड लाइट ऑन और गाड़ी ऑफ हो या फिर कोई और अभियान क्यों ना हो, वो कहीं ना कहीं सफल साबित हो रहे हैं। जी देखिए ऋचा जी, सारी बात है, इसका श्रेय सिर्फ एक सरकार को नहीं दिया जा सकता है, ये सामूहिक साझा एक प्रयास है। सरकार ने भी अभियान चलाया, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान, उसके अलावा हवाओं का प्रभाव जो देखने को मिल रहा है उस प्रभाव से भी उम्मीद की जा रही है कि मौसम में जो परिवर्तन होगा, जो हवाएं चलेंगी, हल्की बारिश होगी, उससे पॉल्यूशन में कमी देखने को मिलेगी। उसके अलावा सरकार भी लगातार प्रयास कर रही है, एयर प्यूरिफायर का जो टावर लग रहे हैं दिल्ली में जगह जगह, उनसे भी बेनिफिट जनता को देखने को मिलेगा। जी जी सर। हालांकि प्रशांत जी, जो AQI है वो 474 से अब 344 पे पहुंच चुका है, लेकिन अभी भी जो डॉक्टर्स हैं उनका कहना है कि ये खतरनाक से कम नहीं है, क्योंकि जो बुजुर्ग हैं, जो बच्चे हैं, उनके लिए ये ज्यादा खतरनाक हो सकता है। जी बिल्कुल ऋचा जी, 385 को बहुत खराब श्रेणी में माना जाता है, जो आज सुबह दर्ज किया गया है PM2.5 है, यानी कि जो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, गर्भवती महिलाएं हैं या जिनको सांस संबंधी परेशानी है, उनको काफी दिक्कतों का सामना करना अभी भी पड़ सकता है। जरूरत ना हो तो घर से बाहर ना निकले, और अब दिवाली का त्यौहार आज से शुरू हो गया है, 5 दिवसीय त्यौहार है, अगर पटाखों पर रोक नहीं लगी पूरी तरह से, जो कि कागजों में तो लग गई है, अगर जमीनी स्तर पे भी लगेगी तो ही पॉल्यूशन पर कंट्रोल देखने को मिलेगा, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि बहुत खराब से निकल के वापस गंभीर श्रेणी में पहुंच जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत जी अपनी बात को साझा करने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए।